हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाताज किचन एंड लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बादाम पकौड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है, और आप टी टाइम स्नैक्स में बनाकर इसे स्टोर करके 8 से 10 दिन के लिए रख सकते हैं। कभी भी आप खाने का मन करे हल्का फुल्का तो आप खा सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए मूंगफली के दाने, तो ख़राब दाने जो होते हैं वो चुनकर हटा दीजिए और अच्छे वाले दाने ले लीजिए। तो उसे चलिए बनाते हैं। तो मूंगफली को हम एक बोल में लेंगे और हमें चाहिए इसमें 2 से 2.5 चम्मच, मैंने लिया है यहाँ पर बेसन, तो बेसन ले लेंगे। और हमें चाहिए चावल का आटा, तो ये भी मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है चावल का आटा। तो अगर आपका बादाम का क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप और ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के हिसाब से मूंगफली के दाने लिए हैं। अभी हम मसाले ऐड कर देंगे। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच लिया है मैंने, और लेंगे इसमें डाला है मैंने कुटी हुई धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच है ये, और ज़ीरा पाउडर भी डाला है आधी छोटी चम्मच, और 2 चुटकी लिया है मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, और 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर चाट मसाला, और 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर काला नमक। अब इन सभी को हम मसाले में ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और मसालों को बादाम के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, नहीं तो ये अगर ज़्यादा पानी हो गया तो ये गीला हो जाएगा, और हमें गीला बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसा पेस्ट बनाना है कि हाथों से भर भरा जैसा हो, कि बादाम दिखे। तो अच्छे से मसाले कोट हो चुके हैं बादाम में, अभी हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और तेज़ आंच पे रखा है, और थोड़ा थोड़ा हम इसमें जो बैटर है हमने मूंगफली वाला वो डालेंगे, लेकिन एक जगह नहीं डालेंगे, इसे हाथों से छुड़ाते हुए, देखिए इस तरह से झाड़ते हुए हमें डालना है, जिससे हमारे जो मूंगफली के दाने हैं वो अलग अलग गिरें, नहीं तो एक ही जगह पे गिर जाएगा। और इस तरह से हमें हिलाते हुए इसे तेज आंच पे ही हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और एकदम कुरकुरा हमारा जो है ना ये बनकर रेडी होगा फ्रेंड्स। तो आप भी ट्राई कीजिए, और ये 8 से 10 दिन तक बहुत अच्छे चल जाते हैं। आप इसे स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा बादाम पकौड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, हम इसे निकाल लेंगे अच्छे से। तो इसी तरह हमें देखिए हमारा जो है ये निकल गया, और बाकी के भी हम इसी तरह से तल लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल करारे बनकर रेडी हुए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही करारे हैं, और चावल के आटे की वजह से बहुत ज़्यादा क्रंची बनते हैं ये। तो अभी हम ऐड करेंगे इसमें कुछ मसाले। तो मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच यहाँ पर चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर लिया है आधी छोटी चम्मच, और सभी चीज़ों को हम स्प्रिंकल करके इसमें से मिलाते जाएंगे, और लिया है काला नमक, और सफ़ेद नमक भी डालेंगे,
अब हम सभी चीज़ों को हाथों से हम अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना क्रंची बना है, बहुत ही अच्छा आवाज़ आ रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये बादाम पकौड़ा है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो आप भी बनाइए, खिलाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर न्यू अगर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।